हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज मैं फिर आपके सामने लेके आई हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जो कि आपके सामने है। तो सबसे पहले इनपुट को आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दिमाग से इसको सोल्व कीजिए। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करवा चुकी हूँ इनपुट आउटपुट के, तो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाइए और उनको देखिए, क्योंकि वो बेसिक से और हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपके UPSI और बैंक प्री एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशेंट है। अब बैंक मेंस में भी ऐसे है, जैसे कि RRB की बात करती हूँ तो वो मेंस के लिए भी सफिशेंट है, लेकिन यदि मैं IBPS की बात करती हूँ, SBI मेंस की बात करती हूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जब तक आप ये कर जाओगे तो आप वो भी डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट क्या होता है और उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, बात करती हूँ UPSI के लिए। तो UPSI वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैंने 5 पार्ट में जो मैंने इनपुट आउटपुट करवाई, वो इतना सफिशिएंट है कि आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है। आप यदि मेरे चैनल से यहीं से आप पढ़ते हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट का। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने इनपुट आपके सामने है, देख लीजिए कि मॉनसून 8 to 4 प्रिडिक्शन ऑफ 6 वेरी 10 स्ट्रॉन्ग एंड 7 अर्लीस्ट। ठीक है, ये कुछ रैंडमली वर्ड आपके सामने है और आउटपुट में इनको 6 स्टेप में इनको बना रखा है, यानी कि अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हमें क्या करना होता है, समझना होता है। उसके बाद एक नए इनपुट के साथ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, फिर उनको हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। ठीक है, और यदि देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में मैंने बताया है कि स्टेप 1 में सबसे पहले आप देखिए कि किस वर्ड को इन्होंने उठाया है और उस वर्ड पे फोकस कीजिए कि इस वर्ड को यहाँ पे क्यों रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अर्लीस्ट को उठाया है तो अर्लीस्ट में क्या खास है। ओके, उसके बाद एज इट इज उन्होंने मतलब कि 8 को पहले रखा, फिर मॉनसून को इसके बाद, मतलब कि रीअरेंजमेंट इनको यूं के यूं इनको पुट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे अर्लीस्ट को उठाया है और 8 को उठाया है, यानी कि 8 नंबर को उठाया है, और इन दोनों को क्यों उठाया है, इनमें क्या इतना खास है कि भाई इनको उठा के और स्टेप 1 में रख दिया है। तो देखिए चलते हैं, सीखते हैं कि स्टेप 1 में अर्लीस्ट और 8 को जो उठाया है तो इनमें क्या खास है। इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी है। तो देखिए यहाँ पे अर्लीस्ट को उठाया है और 8 को उठाया है, तो सबसे पहले हम वर्ड की बात करते हैं कि भाई ये जो वर्ड है अर्लीस्ट है, ये यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं पूरे इनपुट को देखती हूँ और पूरे सारे स्टेप को एक बार मैं अपने माइंड में इसको देखती हूँ, तो देखिए अर्लीस्ट है वो जो अपना वर्ड होते हैं, यानी कि अपने लेटर होते हैं, अल्फाबेटिक होते हैं, उनमें से सबसे छोटा जो अपना इनपुट में लेटर है ई। ठीक है, क्योंकि और सारे लेटर हैं वो इनसे बड़े हैं, तो सबसे छोटे लेटर को यहाँ पे उठाया है, यानी कि अर्लीस्ट है जिसका जो ई लेटर है वो सबसे छोटा है, तो उसको सबसे पहले रखा। अब अर्लीस्ट में कितने लेटर हैं, यानी कि देखिए अर्लीस्ट में जो लेटर हैं वो कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि इस वर्ड में, ये जो कंप्लीट वर्ड है इसके अंदर कितने लेटर हैं, यानी 8 लेटर हैं, तो 8 लेटर हैं तो इसको इसके 7 यहाँ पे नंबरिंग में अरेंज किया गया है। ठीक है, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग वर्ड और नंबर बचते हैं उनको रीअरेंज कर रखा है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि जो अर्लीस्ट है उसके बाद जैसे 8 है, तो उसके बाद यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हमने उठाया अर्लीस्ट, अब उसके बाद कौन सा ऐसा वर्ड है जो अर्लीस्ट यानी ई के बाद आता है, जो कि हमारे इनपुट में दिया हुआ है, यानी कि मॉनसून को यहाँ पे उठाया है। ठीक है, तो मॉनसून में कितने लेटर है, 7 लेटर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इसी तरीके से इसको अरेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद जितने भी लेटर रिमेनिंग बचते हैं उनको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया है। देन स्टेप 3 में यदि हम बात करते हैं, तो स्टेप 3 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अर्लीस्ट 8 हो गया, मॉनसून 7 हो गया। अब मॉनसून यानी M आता है वो 13 पे आता है,
ठीक है। और उसके बाद आउटपुट में यहाँ पे क्या दिया है कि जो एम के बाद क्या दिया हुआ है, ऑफ दे रखा है, तो ओ है, यानी कि 15 नंबर पे आता है जो 13 के बाद आता है। ओके, समझ में आ रहा है। मैंने इनके थोड़े नंबरिंग बता रही हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फाबेटिक में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, फिर एम के बाद ओ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ओ को उठाया, और ओ मतलब कि ओफ में कितने नंबर हैं, यानी कि दो लेटर हैं, ओफ में दो लेटर हैं, तो इसके आगे इसको दो से रिप्लेस कर दिया है, और उसके बाद इसी तरीके से आगे इनको रिमेनिंग वर्ड्स एंड नंबर को अरेंज कर रखा है। इसी तरीके से हम स्टेप फोर में चलते हैं, और यहाँ पे इसी तरीके से अर्लीस्ट डेट मॉनसून 7 ऑफ 2, और ऑफ के बाद यहाँ पे आता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन वर्ड को यहाँ पे पुट किया, और प्रेडिक्शन में कितने लेटर हैं, यानी कि 10 लेटर हैं, तो यहाँ पे 10 तक पहुँचे, और जो रिमेनिंग वर्ड्स थे उनको रीअरेंज इसी तरीके से कर रखा है। अब आते हैं स्टेप फाइव में। स्टेप फाइव में क्या कर रखा है कि अर्लीस्ट 8 मॉनसून 7 ऑफ 2, प्रेडिक्शन 10 तक हमने कर लिया था, तो पी के बाद अब क्या आता है, एस आता है, जो हमारे इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हमने यहाँ पे पुट किया, और स्ट्रॉन्ग में कितने लेटर आते हैं, यानी कि 6 लेटर आते हैं, तो यहाँ पे हमने 6 पुट किया, और रिमेनिंग वर्ड को एज इट इज रीअरेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप सिक्स की। तो यहाँ पे देखिए, अर्लीस्ट 8 मॉनसून 7 ऑफ 2, प्रेडिक्शन 10 एंड स्ट्रॉन्ग 6, एंड एस के बाद जो लास्ट वर्ड जो हमारे इनपुट में दिया हुआ है वो क्या है, वेरी, और वेरी में कितने वर्ड लेटर आते हैं, 4 लेटर आते हैं, तो यहाँ पे हमने एज इट इज इसको पुट कर दिया है, यानी कि जो हमारा कंप्लीट आउटपुट निकल के आता है वो 6 स्टेप में निकल के आता है। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट आपके सामने है कि इसमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट को दे रखा है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पे किस तरीके क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस मैंने इतने क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, उनसे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इस तरीके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, और लगता है कि अब इतने क्वेश्चंस या इतने कॉन्सेप्ट सेट करवाने के बाद तो आपको अच्छे से इनपुट आउटपुट समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे दे रखा है कि एक नया इनपुट आपके सामने है जो कि वर्ड है और उसमें कुछ नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टेप विल बी नीडेड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। इसमें पूछा गया है कि कितने स्टेप की और हमें ज़रूरत है, मतलब फाइनल जो रीअरेंजमेंट के बाद जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है उसमें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट की रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि इसको अरेंज करना है, जो हमें इनपुट दे रखा है उनको आउटपुट में क्या कर रहा है, अरेंज करना है, यानी रिजल्टिंग 6, सीजन 9, रेनफॉल 8, 12, आर्टिफिशियल अनबिलीवेबल 10, ठीक है। तो इसमें आपको किस तरीके से करना है कि सबसे छोटा वर्ड अमन को उठाना है, और उस वर्ड में कितने नंबर हैं उनको पुट करना है, इसी तरह के स्टेप बाय स्टेप में वो सारी चीज़ें करनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने है, हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास 5 स्टेप आती हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 स्टेप आई, तो 5 स्टेप में कंप्लीट आउटपुट निकल के आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मैनी स्टेप विल बी नीडेड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको रीअरेंज आप करते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने तरीके से इसको रीअरेंज करें, और आप देखिए कि इसमें कितनी स्टेप की रिक्वायरमेंट है, कितनी स्टेप में इसका फाइनल आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इसका आउटपुट निकाला है, तो इसमें 5 स्टेप में फाइनल आउटपुट निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5, ठीक है। तो इसी तरीके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की भाई बहुत ज़्यादा नीड होती है, और आपके सपोर्ट की अभी फ़िलहाल में मुझे बहुत नीड है। आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं आपके लिए और कंप्लीट रीजनिंग के यहाँ पे जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कि पेड वीडियो में पढ़ाए जाते हैं, और कुछ और चैनल की या एप्लीकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे पेड वीडियोज़ में भी वहीं पढ़ाते हैं, जो कि आपको फ्री में वो सारी चीज़ें एक जगह से मिल जाती हैं। तो मैं, तो मेरा मोटिव यही है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को वहीं चीज़ें फ्री में दूं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा यदि आपको जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं। ओके,
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और वही सेम इनपुट है और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट इन द लास्ट स्टेप। इसमें पूछा गया है कि जो अपनी लास्ट स्टेप है उसमें राइट से फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर या वर्ड है, ठीक है, कौन सा लेटर या वर्ड आएगा। तो इसमें ये पूछा है, तो देखिए सबसे पहले हमें अरेंज करना है और फाइव जो अपनी पांच स्टेप में आउटपुट निकल के आया था जो अरेंज हुआ था, तो देखिए जो उसके राइट साइड से और फिफ्थ पोजीशंस पे कौन सा लेटर या वर्ड है जो कि अपने ऑप्शन पे मैच करता है। तो फाइव स्टेप ये है और इसमें मैं राइट साइड से यदि इसमें देखती हूँ तो देखिए राइट साइड मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड क्या होती है ये, और राइट साइड कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 9 नंबर है वो कौन से पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन 3 9। ओके, अब इसमें कुछ भी जैसे कि इस तरीके से पूछ लिया कि भाई लेफ्ट साइड से आपको 8th पोजीशन पे बताना है, 6th पोजीशन पे बताना है, तो आप लेफ्ट साइड से इसको काउंट करके और आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज मैं एक ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें पूछा गया है, ये थोड़ा इसमें ट्विस्ट डाला हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पूछा गया है क्वेश्चन 3 में, इन स्टेप 3rd ऑफ द रीअरेंजमेंट इफ, जैसे अनबिलीवेबल हो गया, इज रिलेटेड टू 6 एंड 12 इज रिलेटेड टू 9 इन ए सर्टेन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग और सीजन बी रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम पैटर्न। इसमें बताया गया है कि जो अपना स्टेप 3rd होगा उसमें जो अनबिलीवेबल जिस तरीके से 6 को रिलेट करता है और जो 12 है वो 9 को रिलेट करता है, उसी तरीके से जो सीजन अपना जो है वो किसको रिलेट करेगा इसी सेम पैटर्न में। समझ में आया, इसमें जो पूछा गया है वो आपको समझ में आया कि जो अपना की 3rd स्टेप यानी कि 3rd वाला जो आउटपुट है उसमें जो अनबिलीवेबल जो वर्ड है वो 6 को जिस तरीके से रिलेट कर रहा है, उसी तरीके से 12 है वो 9 को रिलेट कर रहा है, तो इसी सेम वे में यदि जो सीजन वर्ड है वो किसको रिलेट करेगा, यानी कि सेम पैटर्न में किसको रिलेट करेगा, कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो अरेंज है, जो अरेंजमेंट हमने रीअरेंजमेंट कर रखा है, तो स्टेप 3rd में हम चलते हैं और स्टेप 3rd में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको पूछा गया है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि जो अनबिलीवेबल है उसको 6 से रिलेट कर रखा है, ठीक है। तो अनबिलीवेबल को 6 से रिलेट कर रखा है और 12 को 9 से रिलेट कर रखा है, यानी कि ये जो वर्ड है स्टेप 3rd में इसको 6 से रिलेट कर रखा है, ठीक है, और 12 को 9 से रिलेट कर रखा है, यानी कि आप देखिए पीछे से तीन जो अपने वर्ड या नंबर को छोड़ के उसके आगे वाले को लास्ट वाले से रिलेट कर रखा है। तो सीजन क्या, सीजन उससे अगले वाले को रिलेट कर जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे इस वर्ड के बारे में पूछा गया है कि जो सीजन वर्ड है वो किसको रिलेट करेगा इसी सेम पैटर्न में, तो वो किसको रिलेट करेगा, आपके सामने है रिजल्टिंग को रिलेट करेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे आपको आइडिया अच्छे से लग सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे, ये जो लास्ट क्वेश्चन थे कितने, तो क्या बात करूँ मैं, एक सेट आपके लिए लेके आई थी, उस सेट उस फॉर्मेट उस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें ये एक अलग क्वेश्चंस था कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कभी नहीं चाहती कि आपके कोई भी क्वेश्चंस छूटें और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत हो। तो यदि आप मेरी पांचों वीडियो यानी पांचों पार्ट आप देख लेते हो तो इनपुट आउटपुट का एक भी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने ये सब पढ़ाया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए, बैंक के लिए भी वही इम्पोर्टेंट रहेगा और UPSI के लिए भी वही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरी देखिएगा, या आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखते हैं, आप अद्धा बद्धा देख लेते हो, छोड़ देते हो, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है ना, मैं आपसे जैसे थोड़ी बात भी करने वाली थी कि एग्जाम कुछ हो नहीं रहे हैं, कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, अच्छे से भी लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, कुछ कहीं खुला है कहीं पर, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 10th और 12th की जो परीक्षाएं थी वो भी रद्द हो गई हैं,
लेकिन अपने कंपटीशन जो एग्जाम है, जॉब के लिए जो एग्जाम होंगे वो तो होंगे ही, तो आज नहीं तो 2-3 महीने बाद वो एग्जाम जरूर होंगे, तो उनके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। ये नहीं कि भाई एग्जाम डेट आ गई है और हम 1 महीने पहले से तैयारी करें, तो इतना बड़ा सिलेबस है और 1 महीने में तैयारी नहीं होती, और मुझसे अच्छा ये कोई नहीं जान सकता क्योंकि 1 महीने में बिल्कुल तैयारी नहीं होती। ये चीज़ें बहुत पहले से, यानी कि बैंक की बात करूँ तो 3 महीने कंप्लीट कोर्स होता है, यदि बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो 3 महीने में एक बैंक PO क्रैक कर जाता है, ठीक है। UPSI की बात करूँ तो हाँ, आप 3 महीने में अच्छे से अपने UPSI को क्रैक कर सकते हो, जैसे कि आपके मूल विधि टॉपिक हो गए हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप वो देखिए, क्योंकि इस अपने चैनल पे मैंने 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड करवा दिए हैं मूल विधि के, जो कि बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, टेलीग्राम पे भी आ रहे थे कि मूल विधि चाहिए, मूल विधि के पार्ट चाहिए, तो मैंने वो अपलोड करवा दिए और उन पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ और पार्ट भी उस पर बनवाए जाए, ठीक है। तो बस यही है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, कभी भी आपके पास वो एडमिट कार्ड का पता चल सकता है कि आपके एग्जाम की 15 दिन बाद होंगे, तो 15 दिन में कोई तैयारी नहीं होती है, क्योंकि पिछली बार एक बैंक का एग्जाम हुआ था RRBPO का, तो सबसे पहले तो बता दिया था कि आपका एग्जाम रद्द हो गया है, अगस्त सितंबर की बात है, और 2 दिन बाद ही उन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया और कहा कि 1 वीक बाद ही आपके एग्जाम है, और ट्रेन व्रेन सब ऑफ थी, लेकिन क्या हुआ, बच्चों को थोड़ा लगता है ना कि यार ये क्या हो गया, तो उन्हें ट्विटर पे भी चलाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एग्जाम तो हुआ। बहुत सारे बच्चों के ख्वाब था कि RRBPO मैं अच्छे से क्रैक करूँ, क्योंकि इसमें इंग्लिश पार्ट नहीं आता है प्री में, और इंग्लिश मेन पार्ट होता है जो बच्चों को IBPS और SBI बनने से रोक देता है, तो वही था। तो तभी मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से कंटिन्यू अपनी वीडियो को कंप्लीट देखिए और नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए, और जो भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है मैं जल्द ही इस पे रखूँगी, जो कि आपको जैसे कि मैथ हो गया और भी आपके लिए कुछ सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तब तक आपको यहाँ पे रीजनिंग और साइंस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।